नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूं आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। इससे होगा ये कि मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आपके प्यार से कारण यहाँ तक आएँ, चाहती प्यार से बना कर रखें। तो ये सर्दियों की रेसिपी है। हम मटर तो खाते हैं लेकिन मटर के छिलके को फेंक देते हैं। तो मटर के छिलके की सब्जी लेकर आई हूँ, देखिए ध्यान से लास्ट तक कैसे बनता है ये। आइए दोस्तों, आज मैं एक रेसिपी लाई हूँ और ये है मटर का। तो हम मटर तो बना के खा लेते हैं पर उसके छिलके को हम फेंक देते हैं। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि हमें मटर चाहिए जिसमें ऐसे जो मुलायम से होते हैं और छोटे दाने होते हैं, वैसे मीठे वाले। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाएंगे। तो जो मीठे दाने होते हैं बहुत ही कम होते हैं, पतले और छोटे छोटे होते हैं। तो मैं इसको ले लूँगी और इसको छील लेंगे। इसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको सारी इसमें डलने वाली सामग्री। बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो ये देखिए, इसको आप चाहे दो टुकड़ों में करके छीलिए और या जैसे मर्जी इस तरीके से आराम से पकड़ के छीलिए। टूटते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो इसको छील के दो टुकड़े करने ही हैं। तो हम इस तरीके से इसको छील लेंगे, जो बच गया है उसको भी। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इस साइड से भी ये जो है किनारे इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा तैयार है। इसी तरीके से मैं एक और दिखा देती हूँ। तो यूँ पकड़ना है और इस तरीके से हमें आराम से इसको खींचना है। तो ये अपने आप निकल जाएगा, जो बचा हुआ है हम उसको भी निकाल लेते हैं। या दो टुकड़े कर लीजिए आप, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो। ये देखिए आसानी से निकल रहा है, इसको हम निकाल लेते हैं इधर से भी। तो इस तरीके से मैं सबको छील लेती हूँ। एक और दिखा देती हूँ आपको। तो मैं एक बर्तन ले रही हूँ और छिलकों को अलग रख रही हूँ और मटर को अलग। इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, आप थोड़े से मटर लीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से आप अलग अलग खींच दीजिए। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से हम सबको तैयार कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ इनको तैयार करने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने छिलका इसका उतार लिया अंदर से और उतार के इसको धो लिया। साथ में इसके जो मटर निकले थे वो, ये ऑप्शनल है, आप लें चाहे ना लें। तो मुझे अच्छा लगता है इसके साथ मटर, तो मैंने रख लिया है। आप छिलके और आलू के साथ भी इसे बना सकते हैं, मटर को हटा सकते हैं। और क्या क्या सामान चाहिए मैं वो दिखा देती हूँ। तो तड़के में जाएगा प्याज, साथ में चाहिए थोड़े से आलू, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, लहसुन और अदरक। और मसाले में चाहिए हमें नमक, चाहिए काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, सरसों का तेल और पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसमें डालते हैं तेल और तेल डाल के होने देते हैं इसको गरम। तो ये मैंने प्याज डाल दिया है और अब मैं इसे भूनती हूँ कलर चेंज होने तक। हमें इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा कलर चेंज हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है, जैसे मैं बोल रही थी कि जलाना नहीं है, लेकिन इसका रंग चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो चलिए ऐड कर लेते हैं आलू को, और आलू के साथ भी हम थोड़ा प्याज को भून लेंगे कुछ देर तक। तो हम आंच को करेंगे मीडियम। अब हमारा मीडियम आंच पे ही सब्जी बनेगा। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं 4 से 5 मिनट या इसके आधा पकने तक। तो चलिए आलू को प्याज के साथ भूनते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारा मटर है और मटर का छिलका। तो अब हम इसमें छिलका और मटर को डालते हैं। आलू हमारा थोड़ा हो गया है, नहीं बन रही है, बन रही। तो ये हमने आलू भूनने के बाद मटर और मटर का छिलका डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं, इसको ज़्यादा देर नहीं भूनना है,
दो मिनट या एक मिनट भूनने। तो चलिए कुछ देर हो गया भूनते हुए मटर और छिलके के साथ। तो अब हम इसमें एक एक करके मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी अदरक लहसुन, डाल देते हैं क्योंकि अदरक लहसुन को थोड़ा भूनेंगे। अदरक और लहसुन दोनों डाल दिए मैंने और अब मैं इसको थोड़ा देर भून लेती हूँ बस इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए। तो ये हमने भून लिया अदरक लहसुन को मटर और आलू के साथ। तो चलिए अब मैं डालती हूँ इसमें टमाटर, दो टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। और अब मैं मसाले डालूंगी एक एक करके। तो हल्दी लेंगे हम आधा चम्मच के लगभग, काली मिर्च एक चौथाई, काली और मिर्च दोनों है एक साथ, लाल मिर्च जितना आप तीखा खाते हैं वरना आधा चम्मच बहुत है, कम सब्जी के साथ कम डालें, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मैं हर बार कहती हूँ कि नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ही रखते हैं क्योंकि इसमें तीनों मिर्च जा रही है, काली मिर्च। और अब डालूंगी मैं मिर्च जो मैंने काट के रखे थे वो। तो हमेशा अपने ही स्वाद के अनुसार हमें रखना चाहिए। तो मैंने मिर्च डाल दिया, तीखापन और नमक। तो इसको भून लेते हैं हल्का सा पानी डाल के, वरना ये मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। और हमेशा आंच को मीडियम करके ही आप सब्जियों को भूनें। जो सब्जी डेली बनाते हैं खाना उनको तो पता है, पर जो बच्चे नए बनाना सीख रहे हैं उनके लिए ये टिप्स हैं कि अगर मसाला जलने लगे तो आप एक से दो चम्मच या थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के मसालों को भून सकते हैं। मैंने डाल दिया थोड़ा पानी ताकि मेरे मसाले ना लगे नीचे, और इसे ढक देंगे, बीच में चलाते हैं हम इसे भूनेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं और मिला के मैं इसको ढक देती हूँ। और आज मेरा मीडियम टू लो रहेगा और मैं बीच में इसको चलाते हुए भूनूंगी जब तक टमाटर ना गल जाए या मसाले ना भून जाए। तो थोड़ा पानी और डलेगा इसमें मसालों को भूनने के लिए। चलिए इसे ढक देते हैं और ढक के हम बीच में चलाते रहेंगे मसालों को भूनने पर। तो चलिए देखते हैं मसाले का क्या हाल है। तो दोस्तों मैं हमेशा एक कटोरी रखती हूँ या प्लेट यहाँ पे ताकि मेरा जो गैस है वो ख़राब ना हो, चूल्हा गंदा ना हो। तो ये देखिए चारों तरफ से पानी सूख गया है और तेल कढ़ाई के ऊपर आ गई है, टमाटर भी लगभग गल गए हैं सारे, ये देखिए दबाने से बिल्कुल ही दब जा रहे हैं। तो ये हमारा लगभग भून गया है, तो मैं थोड़ा सा और भून लेती हूँ मसालों के साथ इनको, फिर हम पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए हमने भून लिया अच्छी तरीके से, पानी अब हम डालेंगे इसमें ताकि हमारे जो आलू हैं थोड़े से कच्चे रह गए, ये देखिए और हो गए। तो थोड़ा पानी डालेंगे ताकि छिलका और जो आलू है वो पक जाए। तो हम इसे ढक देते हैं और आलू और जो छिलके हैं मटर के उसको पक जाने देते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये पानी जो मैंने डाला था वो लगभग सूख रहा है, तो इसको थोड़ा और सुखा लेती हूँ। अगर आपको इस तरीके से ग्रेवी चाहिए तो इतने पे ही उतार लीजिए और थोड़ा और सुखाएंगे तो, और मुझे दाल चावल के साथ सर्व करना है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये, आप एक बार ज़रूर बनाइए इस सीजन में और बना के खाइए, देखिए बहुत ही स्वाद आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम, आलू को भी और मटर के छिलके को। तो ये देखिए आलू दो टुकड़ों में हो गया, एक और देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट जा रहा है आलू हमारा, इसका मतलब हो गया। और साथ में मैं इसको भी काटती हूँ, ये देखिए कट जा रहा है, ये देखिए दो टुकड़े हो गए इसके। तो इस तरीके से काट के देखेंगे, अगर हमारा ये कट जाता है या मसल जाता है इसका मतलब ये हो चुका है। तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ और डालती हूँ इस टाइम मैं धनिया पत्ता। तो ये हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और डंडी, इसके साथ भी मैं डंडी है तो मैं इसके साथ भी थोड़ा सा और पकाऊंगी। डंडी डाल के देखिए दोस्तों पत्ते से ज़्यादा खुशबू आती है इसमें। तो चलिए इसे पका लेते हैं कुछ सेकंड और। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैं बता रही थी कि आप इस टाइम भी उतार सकते हैं और मैं थोड़ा सुखाऊंगी। तो सर्व करने के लिए तैयार है, तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं इस डिश को।
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, तैयार हो गया मेरा मटर के छिलके की सब्जी आलू के साथ। तब इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं। दांत तेरी सफाई कराते चल, दांत नहीं उसमें तेरे जूठा फंस जाते हैं। तो हमारा तैयार है। आप इसे चावल रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी सर्व करिए, या आप इसे दाल चावल के साथ भी सर्व करिए। सिंपल चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये, तो बनाइए खाइए इस सीज़न में ज़रूर। और एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरी ये रेसिपी मटर के छिलके की। तो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो वही है ये। मटर भी खाइए और उसके छिलके भी खाइए। तो चलिए मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।